हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में हो गए, पॉजिटिव फील कर रहे हो। अगर आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे इस वक्त आपके पार्टनर और आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या कुछ सोच रहे हो, क्या कुछ फील कर रहे हो, राइट? ओपन माइंड रखकर रीडिंग को देखें, चिंता पे ध्यान ना दें। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है। जो रोमांटिक पार्टनर इस वक्त आपके दिल और दिमाग में हैं, ये उनकी फीलिंग्स होती है, ठीक है? सेम सेक्स वाले लोग भी देख सकते हैं, हर किसी के लिए ये रीडिंग है। देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। ऐड करिए यूनिवर्स, मेरे जो भी यूनिवर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर के एक दूसरे के लिए अभी की करंट फीलिंग्स क्या हैं, हमें ट्रू मैसेजेस दें। अभी की ट्रू फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए या आपके पार्टनर की फीलिंग से आपके लिए, ओके? वाव, द लवर्स, वेरी नाइस, ओके। ये आपकी फीलिंग्स हम नीचे रख देते हैं। आई होप आपको सारे कार्ड दिख रहे हैं, ओके? और बॉटम में है सेपरेशन, ओके? तो अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं इन कार्ड्स को। यहाँ पे टर्निंग इन क्यों है, यूनिवर्स गाइड करें। टर्निंग इन क्यों है यहाँ पे, ओके? एक्सपीरियंस, द लवर्स, ओके, अबंडेंस, ओके, एडवेंचर, ओ वाव, नथिंगनेस, राइट, पेज ऑफ सोर्ड्स, राइट। लग रहा था मुझे यही होने वाला है, ठीक है? यहाँ पे अलोननेस क्यों है मेरे व्यूअर्स के साइड में, ओके? पॉलिटिक्स, ओके, ओ सारे के सारे। एक बार नेगेटिव कार्ड आना स्टार्ट होता है, नेगेटिव आने लगते हैं फिर। यहाँ पे है सेवन ऑफ पेंटाकल्स। तो यहाँ पे मैं आपको साइंस बता देती हूँ स्ट्रांगली। यहाँ पे साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरीज, सैजिटेरियस, ठीक है? थोड़ा थोड़ा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। और यहाँ पे नंबर है 9 8 1 7 7, किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और 99, ठीक है? 8 8 भी है यहाँ पे, और 5 है। तो यस, यहाँ पे आपके पार्टनर की अगर बात करूँ इस वक्त की फीलिंग्स की, तो आपके पार्टनर को इस तरह से लग रहा है कि मतलब वो आपके और आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली थिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं, ठीक है? हो सकता है कि कुछ बुरा सपना आया है आपसे रिलेटेड, और डर के उठ भी गए हैं रात को, ऐसा भी हो सकता है। उस बारे में वो इस वक्त सोच रहे हैं, ठीक है? आपको कंप्लीट देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हो, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, और डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे दिन आ रहे हैं वैसे निकाल रहे हैं, ठीक है? और कुछ भी अच्छा नहीं है, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा तकलीफ की ज़िंदगी इनकी चल रही है, और आपकी ज़िंदगी इनसे बहुत ज़्यादा बेटर इस वक्त चल रही है, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है? इनको स्टॉक बहुत ज़्यादा करते हैं आपके सारे सोशल मीडियाज़ के ऊपर, इनके अच्छे से नज़र है, और ये आपके लिए एक्शन लेना भी चाहते हैं, लेकिन बस थर्ड पार्टी की वजह से एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते, और थर्ड पार्टी के मतलब सहमति के बिना आपके लिए एक्शन भी लेना नहीं चाहते। दिल से इनका चाहते हैं आपके लिए एक्शन लेना, लेकिन रुके हुए हैं। डेफिनेटली यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है, जो कि हमें बताता है आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि ये मिडल में है, ठीक है? मिडल में है मतलब सेंटर में है, और कंफ्यूज है अपने प्यार को, किस तरह से मैं ऑफ़र करूँ, किस तरह से आपको बताऊँ, कैसे समझाऊँ कि आपसे मैं कितना प्यार करता हूँ, ये इस तरह से सोच रहे हैं। या आपको इनको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ कंडीशंस इस तरह से डाल के रखी है कि चाहते हुए भी मतलब इनकी इच्छा है एक्शन लेने की। तो यहाँ पे एक्शन का कार्ड है, देखो यहाँ पे हमारा हमेशा नाइट ऑफ पेंटाकल्स रहता है, यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स है, मतलब ये दिल से चाहते हैं आपके लिए एक्शन लेना, रिश्ते को स्टार्ट करना बहुत जल्दी और क्विक। मतलब इनको अभी भी इस तरह से लग रहा है कि अभी जा अभी आपसे जाके बातचीत करें, स्टार्ट करें रिश्ते को, लेकिन ये रुके हुए हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप मानोगे ही नहीं, आप अपने कंडीशंस पे अड़े हुए हो, आपने खुद उनके रास्ते इस तरह से बंद किए कि अगर ये चाहे भी ना आना, आने के बाद भी आप उनको फिर से रिटर्न जाने के लिए मजबूर कर दोगे, ऐसा इनको लग रहा है, इसीलिए आपके लिए एक्शन नहीं लेते, ठीक है? दिल करता है क्विक एक्शन लेना, लेकिन रुके हुए हैं, इनका माइंड कुछ भी काम नहीं कर रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब
पूरा इस तरह से है कि मैं इससे इतना कनेक्शन फील करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट आप हो सकते हैं एक दूसरे के, और इनको ये फील होता है बहुत ज़्यादा, और इनको यही समझ में नहीं आता कि इनको इतना सब कुछ फील होता है, इतना प्यार इनका आपके लिए है, तो फिर आपका क्यों नहीं है, आप क्यों नहीं ऐसे फील कर पा रहे हो, आप क्यों नहीं अपने कंडीशंस के हट रहे हो, आप क्यों मतलब बार बार कुछ बंधन इनके ऊपर डाल रहे हो, उनको अटकाना चाह रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा इनको लगता है कि मतलब ये इस टाइप का सोचते हैं कि प्रैक्टिकली मतलब अगर प्यार है तो है, और जैसे हमारा पहले रिश्ता चल रहा था वैसे चलाने में अभी कोई प्रॉब्लम तुझे नहीं होनी चाहिए, ऐसा इनको लगता है, और इसीलिए आपके लिए एक्शन नहीं लेते, जो कि इनका अभी भी दिल कर रहा है आपके पास आने का, ठीक है। और मुझे फील भी हो रहा है कि बहुत जल्दी इनका एक्शन आपको आ सकता है, ठीक है। मैं टाइम नहीं बताऊँगी, क्योंकि जैसे कि मैं आपको हमेशा 6 months 6 days बताती हूँ, जैसे कि मैं आपको हमेशा 6 weeks और 6 months बताती हूँ, तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा मतलब 1 week या फिर 1 month भी लग सकता है, बहुत जल्दी आपके पार्टनर एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ हैंड्स का कार्ड है। इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक इमोशनल फीलिंग्स फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत जल्दी अपने प्यार का ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, लेकिन फिर भी ये फिर से एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हो चुके हैं इस वक्त की फीलिंग से, क्योंकि आपके बिना नहीं रह पा रहे, इनको घुटन बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स थी। अब हम आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हो, बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हो अपने पार्टनर के, आपको दिल से आप चाहते हो इस रिश्ते को स्टार्ट करना, ठीक है। आपको ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। देखो यहाँ पे पॉलिटिक्स का कार्ड है, और यहाँ पे टेन ऑफ पेंटेकल्स है, जो कि आपको पता है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, आपको अब सब कुछ अच्छे से पता है कि एंड तक आपका साथ देने वाले हैं, और चाहते हैं आपके साथ एंड तक रहना, क्योंकि आप इनको महसूस कर पाते हो अच्छे से, और आपको ऐसा फील होता है कि आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, जानबूझ के आपसे बात नहीं कर रहे, जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहे, और जानबूझ के आपके पेशेंस चेक किए जा रहे हैं, और सब्र का मतलब आपको जानबूझ के वेटिंग एनर्जीज दे रहे हैं, आपको अच्छे से फील होता है, ठीक है। इसीलिए ना आप चुप बैठ के बस वेट एंड वॉच कर रहे हो, ठीक है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में ये बातें चलती रहती है हमेशा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं आप मतलब आप दिल से चाहते हो उनको अपने, आप ऐसा चाहते हो कि बहुत जल्दी आए और अपने प्यार का ऑफर आपके सामने रखें, आप स्ट्रेंथ बनाए हुए हो, इनका वेट कर रहे हो दिल से, आप चाहते हो अगर एक बार एक्शन ले लेना, आप उनको तुरंत हाँ भी बोल दोगे, ठीक है। जो कि आपको ऐसा लगता है कि ये इस तरह से जी रहे हैं कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है आप हो या ना हो इनकी लाइफ में, ये इस तरह से जी रहे हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। आप पेशेंस बनाए हुए हो यहाँ पे, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, देख रहे हो कि ये किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, मतलब हो सकता है कि आपने इनका कुछ सोशल मीडियाज़ पे कुछ देखा हो पिक्स, अगर आपके पास इनका अच्छे से व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप इनके डीपीज एंड ऑल देख सकते हो, तो आपने शायद इनके कुछ अच्छे अच्छे मोमेंट्स का पिक देखे, जिससे कि आपको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है अपनी लाइफ में, और इनको अभी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको भूल चुके हैं ऐसा आपको लग रहा है, और इसीलिए आप चुप बैठ के देख रहे हो, पेशेंस बनाए रखे हैं आपने, ठीक है। जो कि इमोशनल फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है आपके उनके लिए, आप उनके लिए कुछ भी करके, कुछ भी हो जाए, कुछ भी करने के लिए आप रेडी हो, चाहे आपको कोई कुछ भी कहे उल्टा सीधा, अगर आपको कोई ऐसा कहता है ना नहीं नहीं तो उसके पास जाएगी ना, तेरी सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और तुझे ज़िंदगी भर मतलब भूखा रहना पड़ेगा, अगर कोई ऐसा भी आपको बोलेगा ना, फिर भी आप उनके लिए रेडी हो, क्योंकि आप उनसे इतना प्यार करते हो, ठीक है। आपको ऐसा फील होता है कि अपने आपको इतना क्यों प्रोटेक्ट करते हो, क्यों इतना सेफ साइड चलते हैं, इन्होंने जो कि आपको खुद होकर मूव ऑन किया था ना पास्ट में, वो बातें आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है इस वक्त, और वो सोचते हुए आपको बुरा लगता है कि क्यों मतलब ऐसा क्यों हुआ आपके साथ, नहीं होना चाहिए था, और ये हुआ क्यों है, क्योंकि थर्ड पार्टीज की वजह से हुआ है, आपको ये भी पता है, ठीक है। आपको दिल से फील होता है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, और ये थर्ड पार्टी की वजह से आपका ये रिश्ता टूटा है, जो कि आप अपने पार्टनर को आपकी ओर से ना ये समझा ही नहीं पाए कि आप आखिर चाहते क्या हो इस रिलेशनशिप से। आपको लगता है कि आप अपना प्रॉपर स्टैंड नहीं ले पाए, आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और इसीलिए आपके पार्टनर शायद आपको गलत समझे बैठे हैं, और आपका ये रिश्ता जो है रुका पड़ा है, ऐसा आपको इस वक्त फील हो रहा है, ठीक है। तो यस, अगर आपको लगा कि एनर्जी आपकी है, आपके पार्टनर इस वक्त ऐसा सोच रहे होंगे, तो ये डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को उनका दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, और जिनके भी साथ जितनी भी रीडिंग रहे दोनों, ठीक है, मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि मुझे पता चले किसकी एनर्जीज निकल के आई है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।